नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जो है तमाम नेता अपनी अपनी बेटियों के साथ फोटो ट्वीट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक पर डाल रहे हैं और राष्ट्रीय बालिका दिवस की बधाई दे रहे हैं। इस बीच पटना की एक बेटी अपने पिता के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। दरअसल आपको पता है, आज पटना में जो मसौढ़ी में, पटना के मसौढ़ी ब्लॉक में प्रखंड कृषि पदाधिकारी थे अजय कुमार, उनकी हत्या कर दी गई। दरअसल वो 18 तारीख से गायब थे और आज उनका शव बरामद हुआ है और हत्यारों ने उन्हें मारकर फेंक दिया था नदी किनारे, जमीन के अंदर उनका शव दफना दिया था, जो आज पुलिस ने खोज निकाला है। आज इस मौके पर जो तमाम नेता अपनी बेटियों की तस्वीरें साझा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, वही एक बेटी गुहार लगा रही है इसी सोशल मीडिया के जरिए और पटना पुलिस की पोल भी खोल रही है। दरअसल अजय कुमार की बेटी ने पिछले दिनों, मतलब पिता जब उनके नहीं मिल रहे थे, गायब थे पिछले 18 जनवरी से, तो उसके बाद उन्होंने एक बड़ा ही भावुक ट्वीट किया था। ट्वीट के जरिए उन्होंने गुहार लगाई थी और पटना पुलिस के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी, तो वो ट्वीट सामने आया है। दरअसल आज हत्या हो गई है अजय कुमार की, उनका शव मिल गया है, उसके बाद ये ट्वीट सामने आया है उनकी बेटी का। तो मसौढ़ी में अजय कुमार पोस्टेड थे बतौर प्रखंड कृषि पदाधिकारी के तौर पर, उनकी हत्या की गई है और उसके बाद जो बेटी का जो ट्वीट आया है वो जो है पटना पुलिस के दावों की पोल खोलती दिख रही है उस ट्वीट के जरिए। जिस तरह से बेटी ने अपना दर्द बयां किया है, दरअसल पिता पिछले 18 तारीख जनवरी से गायब थे, उसके बाद बेटी ने न्याय की गुहार लगाते हुए ये ट्वीट किया था। तो उन्होंने क्या कुछ लिखा था, उनकी बेटी हैं, अजय कुमार की बेटी हैं स्नेहलता, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था। और जो कुछ बातें उन्होंने लिखी वो जो है पटना पुलिस की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। आपको बताएं, उन्होंने लिखा था कि मेरे पिता अजय कुमार पिछले 4 दिनों से लापता हैं। वो मसौढ़ी ब्लॉक के प्रखंड विकास अधिकारी के पद पर तैनात हैं। हमेशा की तरह वो ट्रेन से 18 जनवरी को सुबह 7:30 बजे पटना से अपने कार्यालय के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ नहीं पहुँचे। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार उनके फ़ोन का केवल अंतिम लोकेशन शर्मा गाँव यानी मसौढ़ी से 1 किलोमीटर की दूरी पर मिला था। एक आदमी का नाम गोलू है, वह संजय कुमार के नाम के किसी डीलर का बेटा है। उसे कुछ वाउचर जमा करना था जिसे वह लंबे समय से जमा नहीं कर रहा था। मेरे पिताजी को भी किसी को जवाब देना होता है, इसलिए उन्होंने उसे वाउचर जमा करने का दबाव बनाया था। मेरे पिता 18 जनवरी को 1 महीने के बाद अपने कार्यालय में जा रहे थे। वह ट्रेन से मसौढ़ी के रास्ते में थे। गोलू ने उन्हें फ़ोन किया सिर्फ यह पूछने के लिए कि वह कहाँ है या कब तक पहुंच रहे हैं। मेरे पिता के कॉल रिकॉर्ड के अनुसार अंतिम कॉल गोलू का ही था। फिर कुछ समय के बाद उनका फोन 3 घंटे के लिए बंद हो गया। फिर एक दिन तक स्विच ऑफ ऑन रहा। चूंकि वह शाम तक नहीं लौटे थे, उनका नंबर कॉल करने का प्रयास किया गया था तो इसलिए पता चला कि स्विच ऑन था। फिर अगले दिन फोन बंद हो गया। तो ये कहानी हम सुना रहे हैं। दरअसल उनकी बेटी ने यह सोशल मीडिया पर लिखा है। अभी आगे और भी बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी है। दरअसल उन्होंने इंग्लिश में ये लिखकर ट्वीट किया था, उसको हम बता रहे हैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके कि क्या कुछ उनकी बेटी ने लिखा सोशल मीडिया के जरिए और एक बेटी का दर्द बता रहे हैं। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर तमाम नेता अपनी बेटियों के साथ फोटो ट्वीट कर रहे हैं। उस बीच एक बेटी का दर्द उभर कर सामने आया है। वो बेटी जो अपने पिता को खो चुकी है, उसके पिता की हत्या हो चुकी है। वो बेटी जो गुहार लगाती रह गई पटना पुलिस से कि उनके पिता को खोजो, पर उसके पिता को पुलिस नहीं खोज पाई थी। खैर, आज उनका शव बरामद हुआ है। उसके बाद बेटी का दर्द जो है निकल कर सामने आया है। और आज इस एक ऐसा मौका था, राष्ट्रीय बालिका दिवस था, उस मौके पर बेटी का दर्द इस तरह से सामने आया, इस कदर सामने आया कि उसने अपने पिता को खो दिया। तो ये बड़ा दर्द है और इस पटना में इस क्राइम पर फिर से एक बार जो है लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल भी उठे हैं। बीजेपी के सांसद और विधायक ने सवाल भी सरकार पर खड़े किए हैं।
तो उस बीच जो है हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी बेटी ने एक लेटर लिखकर पटना पुलिस पर सवाल उठाए। दरअसल पटना पुलिस को उन्होंने तमाम तरह की बातें बताई, उसके बावजूद पटना पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। उनका शायद मानना था कि अगर एक्शन पुलिस समय पर लेती तो शायद उनके पिता बच सकते थे। तो उनकी बेटी ने यह कहा था, आगे लिखा कि हमें गोलू पर पूरा शक है, हमारे पास कुछ सबूत हैं लेकिन उस पर कोई जांच नहीं कर रही। हम कई बार पुलिस अधिकारियों, डीएसपी और एसपी के पास गए लेकिन कोई भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, वे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि इन दिनों एफआईआर या पुलिस अधिकारियों का कोई उपयोग नहीं है। बेटी ने इतनी बड़ी बात लिख दी कि उन्होंने गुहार लगाई, बार बार वो अधिकारियों के पास दौड़ के गई, एसपी डीएसपी तमाम अधिकारियों के पास, पर उनकी नहीं सुनी गई। बेटी इतनी परेशान हो गई कि उसने यहाँ तक लिख दिया कि एफआईआर या पुलिस अधिकारियों का कोई उपयोग ही नहीं है, बेकार हैं वो, बस कुछ पैसे के लिए उनका मुंह बंद है। इस तरह का आरोप एक बेटी ने लगाया है जिसने अपने पिता को खो दिया है। कुछ बेशर्म लोग जो परिवार के बारे में नहीं सोचते, या किसी के साथ भी हो सकता है। 4 दिन हो गए और न ही पुलिस ने मेरे पिता के मोबाइल फ़ोन को खंगालने की कोशिश की है और न ही कोई सुराग ढूंढ सकी है। हमें न्याय चाहिए, बिहार पुलिस पर शर्म करो। एक बेटी का ये दर्द जो है सोशल मीडिया के जरिए निकल कर सामने आया है। उसके पिता तो अब इस दुनिया में नहीं है, पर बेटी ने पुलिस के पास पूरी दौड़ लगाई, बार बार अपने पिता को खोजने की गुजारिश की पुलिस से। वो दौड़ लगाती रही पर पुलिस कुछ नहीं कर सकी। पिता को अब खो चुकी है बेटी, पर सोशल मीडिया पर इस बेटी का दर्द सामने आया है। और जिस तरह से उन्होंने पटना पुलिस की पोल भी खोल दी है, बेटी को तो पुलिस पर से विश्वास ही उठ गया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि बिहार पुलिस पर शर्म करो, यानी बिहार पुलिस, सेम ऑन बिहार पुलिस वो कह रही है ये। और जिस तरह से उस बेटी के साथ सलूक हुआ, वो अपना दर्द उन्होंने बयां किया और बताया कि वो पुलिस के पास दौड़ लगाती रह गई अपने पिता को खोजने के लिए। उनके पिता एक अधिकारी थे, प्रखंड कृषि पदाधिकारी। उस कृषि पदाधिकारी को खोजने में भी पुलिस ने इतनी लापरवाही बरती तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी का क्या हश होगा। बेटी का दर्द ये सारे चीज बयां कर रहा है कि दर्द बड़ा है। पुलिस ने दर्द दिया, पिता को तो खो दिया बेटी ने, पर पुलिस ने जो दर्द दिए, पुलिस ने जो बेटी को दौड़ाया और पुलिस ने जो है उस बेटी के बात पर जो यकीन करके जो उन्होंने सबूत दिए उस पर कार्रवाई नहीं की, तो बेटी के दिल में दर्द है, बड़ा दर्द है। और आज राष्ट्रीय बेटी दिवस के मौके पर एक बेटी का दर्द ये उभर कर सामने आया है। हमने आपके सामने इस दर्द को रखा है। साथ ही साथ पटना पुलिस की वो कार्यशैली भी उजागर हो गई जो पिछले दिनों रुपेश हत्याकांड को लेकर भी सामने आया था। रुपेश हत्याकांड जो पटना का एक बड़ा हत्याकांड था, इंडिगो के स्टेशन मैनेजर थे रुपेश सिंह, उनकी हत्या हो गई उनके घर के सामने, देर शाम हो गई थी हत्या। उसके बाद पुलिस आज तक हाथ पैर मार रही है, 2 सप्ताह से ज़्यादा का समय बीत चुका है पर पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। तो पटना पुलिस पर सवाल तो पहले ही खड़े हो रहे थे, विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा था, पर अब एक बेटी ने सवाल खड़े कर दिए हैं जिसने अपने पिता को खो दिया है। अगर आपको यह खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।